उस महंगाई से ना निकल सके। ये बशरा अपने लिए आया कोई मुल्क पाकिस्तान की वहां के लिए थोड़े आए, और ये जलीलो ख्वार होंगे। आप देखेंगे साठकार भी अंदर होगा और ये एक बड़ा बुरा शुरू होगा। ये अदारे ऐसे नहीं, उनको अब समझ आ गई है कि हमें इनका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, तो अदारों के बड़े सख्त अदारे खिलाफ हो गए गवर्नमेंट के। मेरी बात सुने, ये बहुत गलत कर रहे हैं और इनको इलेक्शन तो जाने ही जाना पड़ेगा। चार हफ्ते इनके लिए बहुत अहम है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे ये लोग, लग रहा है आपको? ऑफिसर ये जो आइडियो लीक्स आ रही है ना, ये वीडियो आ रही है, इससे आप अंदाजा लगाए ये चीजें मिल रही हैं कि उनको जलील करके भगाना यहाँ से वजीर आजम से। आप देखेंगे कि अभी जो वजीर आएंगी और ये इनके ऊपर गद्दारी के केस, मैंने शुरू में कहा था कि ये हुकूमत जब जाएगी ना ये गद्दारी के केस में अंदर जाएगा वजीर आजम शबाजी जी। हाँ जी, एक मिनट जी बोलिए जी। जी आपने कभी वो चावल सिर्फ की छलनी के अंदर जी जी मैं चाह रही हूँ कि ऑडियो भी आपको दिखाई दूं थोड़ा सा, ताकि आप लोग देखें तो सही ऑडियो को, ताकि जो चलाएं ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो ऑडियो आती है चलाएं आप। तो मैं सोच रही हूँ कि चला दूं ताकि आप लोग देखें उस ऑडियो में क्या दिखा रहे हैं और क्या देख रहे हैं, वो सुने भी देखें भी, फिर उसके बाद जो है ना हम जो ना इसके ऊपर बात भी करेंगे तफसील से, ताकि जी हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि वो ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, क्या सुने सुनने के बाद आपको पता चलेगा। यकीनन इसलिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में हुकूमत किस तरह की हो रही है, पीछे किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह सामने आती हैं, किस तरह हमारी हुकूमत चल रही है, हमारी आवाम को, जैसे कोई भी हो, इसमें क्या है ना, कहते हैं मुस्लिम नून लीग की हुकूमत हो, चाहे है ना पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, आवाम को शऊर होना चाहिए हर चीज के लिए। अच्छा, आवाम को जरूर जागना चाहिए। जी जो पंजाब असेंबली के उनका रास्ता है परवेज लाई से, और वो सिर्फ अभी आपको पता है कि सुनने में आ रहा है कि परवेज इलाही और है ना जो कहते हैं चौधरी शुजात आपस में एक होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपस में ये लोग मिलेंगे? पहले से एक है मैडम, वो तो अलहदा हुए नहीं कि बेवकूफ बना, मगर अभी तो जब कहा गया था ना, अब तो दोबारा से वो समझे एक होना है, तो आपको क्या लगता है कि वो मिलने के बाद असेंबलियां तोड़ देंगे पंजाब की? मैं आपको सुनना चाह रही हूँ ना, यही तो पूछ रही हूँ कि असेंबलियां तोड़ देंगे पंजाब की? चौधरी बरादरान है जी, तेज़-तरीन लोग हैं सियासत के वाले से पाकिस्तान में। जी जी जी, एक है, एक बंदे चौधरी शजात जो है वो बेवकूफ बना रहा है पीडीएम को और परवेज लाई फायदा ले रहा है पीटीआई से। मैं आपको बता दूं कि 31 सरकार जो है वो उन्होंने रब्ता किया परवेज लाई ने, परवेज लाई एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहता है ताकि आइंदा इलेक्शन में मैं अबरान खान मुझे अगर नाम आए तो मैं उसको अपनी बस खाऊं। 60 बंदे इकट्ठे करेगा ये, और इमरान खान ने उसको टास्क दे दिया है कि ये नून लीग के जितने बंदे, असल में नून लीग के बंदे कह रहे हैं कि हमें सीटों की जमानत दे और इमरान खान साहब से ये हमें वादा करवाए कि हमें आना इलेक्शन में एडजस्टमेंट करेंगे सीट के वाले से और टिकट देंगे। बात सुने, चौधरी परवेज लाई और चौधरी अगर इमरान खान को छोड़ के जाएंगे तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क क्या, हमेशा के लिए सियासत खत्म हो जाएगी। सुन ले बात, ये यकीन करें ये गलतफहमी थी जहांगीर तरीन का कि मेरे बगैर इमरान खान नहीं चल सकता, अलीम खान को था कि मैं इन्वेस्टमेंट का नहीं चल सकता। वो देखे किस तरह जलील और तबाह हो गए, आप पीछे दुम ला रहे हैं, ये इमरान खान लिफ्टी करा रहा और ये 20 लोग जो, यानी कि आपको लग रहा है कि इमरान खान इनको वापस में नहीं लेगा, अपने साथ नहीं मिलाएगा? हमारी बात सुने, आज चौधरी परवेज लाई साइड पे हो जाए यकीन करें 10,000 वोट नहीं ले सकेगा गुजरात से, जलीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इमरान खान को छोड़ेगा उसकी सियासत जीरो हो जाएगी, और अगर आज इज्जत मिली है चौधरी परवेज लाई वगैरह को तो ये इमरान खान की वजह से हुई है। आप देखिए इलेक्शन के करीब चौधरी शुजात पीके में आ जाएगा और जिस